अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके। अच्छा, जैसे आप व्यूवर्स, आपको पता है कि एशिया कप भी आने वाला है और वर्ल्ड कप भी आने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही और है। आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज चले हुए हैं कि इंडिया कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में आके नहीं खेलूंगा और पाकिस्तान कह रहा है मैं इंडिया में नहीं खेलूंगा। सही है। ये बहुत सर्द जंग लगी हुई है और इसमें मतलब नुकसान तो दोनों मुल्कों का ही होगा, लेकिन इसमें जो हम देखने वाले हैं ना, पाकिस्तानी या इंडियन, उनके दिल भी बहुत टूटेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे अगर किसी न्यूट्रल मुकाम के ऊपर ये मैचेस करवा लिए जाएं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इसमें लॉस काफी होता है। लेकिन उसमें अगर आ जाए, पाकिस्तान इंडिया में चला जाए, इंडिया पाकिस्तान में आ जाए, तो उसमें हर्ज भी कोई नहीं है। असल में पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाता है, इंडिया यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस पे इसके ऊपर ना, इन मतलब इन इश्यूज के ऊपर एक रमीज राजा ने एक वीडियो बनाई है। पहले वो वीडियो देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इन मैचेस के बारे में या इन टूर्नामेंट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। दो तीन ऐसे पॉइंट्स आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से, जिनके ऊपर कमेंट देना मैं समझता हूँ कि एक तरह से ज़रूरी हो गया। हालांकि जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस पाकिस्तान में है, क्रिकेट पे बात करना कुछ अजीब सा लग रहा है आजकल के माहौल में, बट एनीवे इसलिए कि इसके ऊपर शायद बात कम हुई है और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जिनकी कोई तुक नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सजेशन ये कहा दिया गया है कि एशिया कप जो है वो आप इंग्लैंड में खेले, यूरोप में खेले, एशिया कप, यानी कि इसका मकसद ये है, ये जो सारी एक्सरसाइज का, कि आप वर्ल्ड कप से पहले एक्लेमेटाइज हो जाएं सब कॉन्टिनेंट कंडीशन से, और जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वो सब कॉन्टिनेंट में कैसा खेलेंगी, कॉम्बिनेशन क्या होंगे, उसके ऊपर नज़र रखी जाए। ये सीधा उठा के एशिया कप का सजेशन देते हैं इकबाल जरी में। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने बात कही है वो ये कही कि जी क्या ही मजा आया कि लॉर्ड्स में फाइनल हो रहा हो एशिया कप का। मतलब मेरा कोई कोई सेंसिबल कोई दिमागी हालत ठीक है या नहीं है? ये इसकी सारा मकसद ये है कि वर्ल्ड कप से पहले जो है वो आप कंडीशन से, सब कॉन्टिनेंट से और ज़्यादा पक्के हो जाए। दूसरी बात जो सुनने में आई वो ये कि जी PSL जो है वो दुबई में हो जाना चाहिए अगली एडिशन। मुश्किल मुश्किल करके छोटे छोटे स्टेप्स लेके यहाँ पे फॉरेन टीम्स आई हैं, इतना बड़ा सीजन हुआ है, फिर आप एशिया कप के लिए जो है मिन्नत समाजत भी कर रहे हैं और एक तरह से आप कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक जगह है खेलने के लिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और दूसरा आप ओपनली ये कह रहे हैं कि जी PSL जो है वो हमें दुबई ले जाना चाहिए। और उसकी वजह क्या है जी कि यहाँ पे टैक्सेशन बहुत है, जैसे कि दुबई में बहुत आपको फ़ायदा होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी के इतने इतने ज़्यादा मसले हैं और इतनी महंगी सिक्योरिटी है, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड टैक्सेशन की बात की तो वहाँ पे ये थोड़ी है कि मुफ्ते में काम हो जाएगा। वो रेंटल्स इतने महंगे हैं वहाँ पे स्टेडियम्स की जिसकी कोई इंतहा नहीं, बट बेसिक जो सोच है और बेसिक क्रिकेट का इंटेलेक्ट आपको समझ लग जाता है कि कितना है और कहाँ पे हमारी क्रिकेट जा सकती है अगर इसके ऊपर आप डिबेट नहीं करेंगे। तो दूसरा पॉइंट भी बेकार बिल्कुल, यानी कि इसका कोई तुक ही नहीं है। तीसरी में ये चीज सुनने में आ रहा था जी, किसी एक हमारे एक्स क्रिकेटर ने कहा कि जी शान मसूद को जबरदस्ती खिलाना चाहिए। ये भी मुझे समझ नहीं आई इस चीज की। शान मसूद बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है, अगर फॉर्म नहीं है तो जबरदस्ती कैसे कोई खिला सकता है? और इसके ऊपर भी कोई बात नहीं होती है, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं शायद इस पॉइंट को, या पाकिस्तान क्रिकेट की कोई ज्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि मुश्किल मुश्किल कॉम्बिनेशन सेट हुआ है जिसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिशें की गई अफगानिस्तान में और कहीं अफगानिस्तान के खिलाफ, और कहीं वहां पे अगर वो सीरीज जीत जाते तो इस वक्त इस टीम का नक्शा ही बिगड़ा हुआ होता। वो तो एक तरह से एक मैसिव वेकअप कॉल मिली सबको कि इस टीम को व्हाइट बॉल क्रिकेट में छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किस तरह से सामने आ गए हैं? ये इसके पीछे जो है कोई कोई क्रिकेट की कोई कोई इंटेलेक्ट है, किसी ने कोई इसके ऊपर एक्सरसाइज की है? और फिर वर्ल्ड कप की तो बाद में बात होगी, वो मैं अगले प्रोग्राम में करूँगा, बट ये ऐसी चीज़ें थी कि जिसके ऊपर एक व्यू पॉइंट देना बड़ा ज़रूरी बन गया था कि एशिया कप इन यूरोप और PSL इन दुबई, और ये कि एक दो प्लेयर्स को जबरदस्ती घुसा देना चाहिए जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। तो ये हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है? ये आगे चल के तो कोई चांस ही नहीं बनेगा। और वैसे ही जो है आपकी जो पाई है वो बाकी मुल्कों की निस्बत जो कि ICC फंड्स जो जो जनरेट होंगे वो हमारी कम हो गई हुई है। सो उसके ऊपर भी कोई हमारा लायमल दिखता नहीं है, उसके ऊपर भी हमने कोई चीखो पुकार, कोई हमने डिसेंटिंग नोट नहीं दिया कि ये किस तरह से आप जो है ये जो आपके फंड्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं अमंग्स क्रिकेट प्लेइंग नेशंस। तो जहाँ पे बात करने की है वहाँ पे बात नहीं होती है। वैसे बड़े अपना कर लिया कि
कि जी ये हमने कर दिया और वो कर दिया और इलेक्शंस में दगल फसल हो रही है वहाँ के, वहाँ पे जो है अपने बंदे बिठा के और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो जबरदस्ती उसको रगड़ा मिल रहा है जो कि जिसकी जरूरत भी नहीं थी। सो ये कोई अच्छे टाइम्स नहीं है, जैसे कि पॉलिटिकल कोई अच्छे टाइम्स नहीं है, इसी तरह से यहाँ पे भी क्रिकेट टाइम्स जो हैं वो पाकिस्तान में कुछ खास अच्छे नहीं है। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब भी आप कुछ ऐसी बात करते हैं, कोई ब्राइट चीज़ें, कोई अच्छी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं होती है, सिर्फ नेगेटिव स्पायरल में हमें खींच के लेके जाया जाता है बार बार, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी होती है और गुस्सा भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमीज़ राजा साहब ने बड़े अहम पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं बिलाल, और सबसे जो ज़बरदस्त बात उन्होंने ये की है कि हाँ एशिया कप एशिया में होना चाहिए, यूरोप में क्यों होना चाहिए? वो कह रहे हैं जी उसका जो फाइनल है वो लॉर्ड्स में खेला जाए है एशिया कप। ऐसा ही अब देखिए ना, ये वाकई ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है, और मुझे बार दफ़ा लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को दोबारा से बर्बाद करने का कोई प्लान बन चुका है। जी जी, अच्छा रमीज़ राजा ऐसी शख्सियत है ज़ाती तौर पे, वैसे मुझे एज ए खिलाड़ी तो शायद पसंद नहीं थे, लेकिन जो एज ए मैनेजमेंट के तौर पर आया ना, एज ए मैनेजर आए हैं, तो यकीन करें इन्होंने इतनी बेहतरीन जो है ना परफॉर्मेंस दी है ना टीम को मैनेज करने में, और टीम ने बाद में परफॉर्म भी किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं उसके बाद इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये सही मानों में ना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना वो टॉप पे आए। बिल्कुल ऐसे ही है, रमीज़ राजा एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जो ओके ऑल ओवर दी वर्ल्ड टूर कर चुके हैं एज ए कमेंटेटर, ठीक है, मुख्तलिफ मुल्कों में विजिट करने का उनके चांस मिलता रहता है उनको, और इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है दूसरों दूसरी टीमों को देखने का, उनकी क्रिकेट कैसे होती है, कैसे उनका ग्रास रूट लेवल है, सारी उम्र गुजर गई है उनकी क्रिकेट में। बिल्कुल ऐसे ही है, और देखे ना सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि यार उनको जब पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया तो उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। जी 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 बिल्कुल, वो सिफारिश वाला काम नहीं था लेकिन उन्होंने काम करके भी दिखाया। अच्छा क्या ख्याल है पीएसएल को कर दिया जाए दुबई में? यार नजम सेठी साहब इस टाइम चेयरमैन है, कुछ भी हो सकता है। हाँ अब देखें यार इतनी मुश्किल से कैसी कैसी कोशिशों के बाद जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, हाँ वो पाकिस्तान के ग्राउंड जो है वो बहाल हुए हैं, उसमें रौनकें लगी हैं, और ये कह रहे हैं पीएसएल दुबई में शिफ्ट कर दो, दुबई में शिफ्ट किया जाए। और देखें अब यहाँ पे जिस मुल्क में न्यूजीलैंड जैसे मुल्क या न्यूजीलैंड जैसी टीम में आके, इंग्लैंड जैसी टीम में आके खेल लें, वहाँ पे क्या सिक्योरिटी रिस्क रह गया? कामयाब दौरे हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जी इसको शिफ्ट करें तो ये बड़ी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और अपना रेवेन्यू सारा तबाह करेंगे। जितना रेवेन्यू चले जो भी आते हैं लोग देखने, वो एक अलग बात है कि अभी इतने ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं आती, लेकिन जो भी आते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं ना पीसीबी को। पाकिस्तान से बाहर जो भी पाकिस्तान की होम सीरीज होगी उसका पाकिस्तान के बोर्ड को डायरेक्ट लॉस होगा। जी जी जी, ठीक है, एक्सपेंस बढ़ जाता है, ठीक है, उसके अलावा देखिए जो भी टीमें आती हैं वो कुछ ना कुछ पैसा जनरेट होता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ही, वो कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल, और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा ये जो काफ़ी अरसे से क्लैश चला हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इंडिया कहता है मैं यहाँ नहीं आऊँगा, ठीक है, इसको आईसीसी क्यों नहीं ख़त्म करवाता? क्यों एक पेज पे नहीं आते जी ये आपका सिनेरियो होगा? हर दफ़ा यही झगड़े हैं, हर दफ़ा यही मसले हैं, और मतलब एक क्लियर वो एक मतलब स्टेटमेंट जारी करे कि इस मुल्क ने फलां जगह पे जाके खेलना है और इस मुल्क ने फलां जगह पे खेलना है, ये रोज़ रोज़ की जो टसलबाजी है ना ये ख़त्म होनी चाहिए। ये बिलाल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि 60-70% स्पॉन्सरशिप और जो पैसा जनरेट कर रहा है आईसीसी वो इंडिया की स्पॉन्सरशिप से है। सर जो मर्जी है लेकिन टीमें तो दूसरे मुल्कों की भी है ना, बिल्कुल रेस्पेक्ट तो उनकी भी है ना, आपको पता है माइट इज राइट, पूरी दुनिया में यही चीज चलती है शुरू से लेके, जो बंदा स्ट्रांग होता है वही अपनी बातें मनवाता है, लेकिन इस चीज को खत्म होना चाहिए। अब इस मतलब ना ये इन चीज़ों में पड़े रहेंगे तो फिर मुल्क वहीं का वहीं पर रह जाएगा। यार आप ये बात कर रहे हो, ये जो आईसीसी है इसमें प्रॉपर उनको सपोर्ट करते हैं इंडियंस को, जी जी जी, जी। इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को, जी बिल्कुल, बिग थ्री जब से ये बनी है तो इन्होंने बिल्कुल इनको सपोर्ट किया। आप टेबल के ऊपर देख लें, मैचेस जो मिलते हैं, टेस्ट मैच देख लें, T20 देख लें और ODI क्रिकेट देख लें, पाकिस्तान को बहुत कम मैचेस मिलते हैं जी, और ये जो गुज़िश्ता 4 साल हैं
ये बाबर आजम के पीक टाइम था जी बिल्कुल, और पीक टाइम में उसको बहुत कम मैचेस दिए गए। अगर एक टीम 50 मैच खेलती है ना, तो पाकिस्तान को उन्होंने 20 मैच दिए हैं। बिल्कुल, तो आप सोचें कि अगर गुज़िश्ता 4 सालों में इनको प्रॉपर बाकी टीमों जितने मैच मिलते, तो बाबर आजम ने कोहली को बहुत पीछे छोड़ देना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके वो पूरा साल खेलते हैं, हमारे जो बेचारे खिलाड़ी हैं वो चंद महीने खेलते हैं, बिल्कुल ऐसे, और फिर हमारा भी देते हैं इंडिया को। हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाए और ये जो झगड़े हैं ये ख़त्म हो और प्योर क्रिकेट खेली जाए, ना कि सियासत की जाए। बिल्कुल ठीक है, ये थी आज की वीडियो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।